अब आपको ले चलते हैं स्टूडियो के बाहर, दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कैलेंडर रिलीज हुआ रेडियो का 2014 का सीईओ प्रसार भारती द्वारा, ये दिखाते हैं इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टेक अ लुक। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी नई दिल्ली के स्टाफ सदस्यों के द्वारा एक कैलेंडर प्रकाशित किया गया। रेडियो के विकास क्रम को दर्शाने वाले इस कैलेंडर को रिलीज किया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार ने। इस मौके पर कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कैलेंडर के संकलन में किन किन बातों का ध्यान रखा गया, हमें बताया असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर रजत सेन गुप्ता ने। विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी नई दिल्ली की ओर से पिछले कुछ सालों से हम किसी एक थीम पर हर साल का कैलेंडर निर्मित करते हैं, और इस बार जो थीम हमने लिया है वो है रेडियो का विकास क्रम, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि रेडियो 1920 के दशक से लेकर के आज तक उसका जो स्वरूप कैसे बदला है हर एक दशक में, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। खास बात इसकी ये है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ इसको जो डिजाइन किया गया है वो विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी नई दिल्ली के स्टाफ के द्वारा ही किया गया है, जिनको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने इमेजिनेशन, अपनी सोच और समझ के आधार पर इसको निर्मित किया है। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको भी उस समय विशेष के जो की जो विशेष घटनाएं हैं उनको चित्रित करते हुए उस रेडियो सेट को उसमें प्रस्तुत किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 2014 का जो ये कैलेंडर है जो विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी नई दिल्ली की तरफ से रिलीज हुआ है आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रसार भारती की ओर से, वो लोगों के घर घर तक जाएगा और रेडियो के इतिहास को लोग आज के परिदृश्य में देखने की कोशिश करेंगे। उन सबको, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आकाशवाणी विज्ञापन प्रसारण सेवा की ओर से और प्रसार भारती की ओर से नया साल बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैलेंडर की उपयोगिता हमारे लिए न सिर्फ दिन, महीने, तारीख व त्योहारों को दर्शाने के लिए होती है, बल्कि कैलेंडर हमारे जीवन से अपना विशेष रिश्ता रखता है। हर साल कैलेंडर अलग अलग विषयों पर आधारित बाजारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी नई दिल्ली पिछले कुछ वर्षों से अपने कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए कैलेंडर का प्रकाशन कर दिया रही है। इस कैलेंडर के निर्माण में सहयोग दिया राकेश बहदीन जी ने। इस कैलेंडर की परिकल्पना उनके मन में कैसे आई, आइए जानते हैं उन्हें। पिछले काफी वर्षों से मैं डायरी और कैलेंडर को छपवाने में और उनको डिजाइन करने में कार्य मुझे दिया गया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा लोगों के सामने लाया जाए जिससे रेडियो क्या है उसकी जानकारी सबको हो। इस बार भी मैंने ये कोशिश की कि सबको ये बताया जाए कि किस तरह से रेडियो, जब से प्रसारण हमारे भारत में शुरू हुआ सन 1926 से और अब तक 2013 तक, रेडियो में क्या बदलाव आया है, केवल सेट्स में नहीं उसकी तकनीक में भी क्या बदलाव आया है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि काफी हद तक चूंकि तकनीकी विकास हो चुका है और लोग रेडियो से थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं कि रेडियो कैसा था, तो हमने पूरे साल भर में हर पृष्ठ पर हर 10 साल में क्या बदलाव हुआ उसको कोशिश की है कि हर पृष्ठ पे उसको दर्शाया जाए, और उसकी जो पृष्ठभूमि है पीछे का, रेडियो सेट तो है ही हर पृष्ठ पे उन वर्षों के, दशकों के, लेकिन उनके पीछे की जो बैकग्राउंड है उसमें भी हमने कोशिश की है कि उन्हीं वर्षों को और उस तरह की तकनीक को दिखाया जाए। उसमें कुछ हमारी ऐसी चीजें भी हमने दिखाने की कोशिश की है जिनसे ये पता चले कि हमारे प्रसारण में हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े रहे। जैसे हमने जनवरी से शुरुआत की तो हमने जो हमारा सबसे पहला प्रसारण भवन था जो राजपुरा रोड पर था उसको हमने दर्शाया है। उसके साथ ही हमने उस समय के एक वॉल्व रेडियो को दिखाया है
ताकि लोगों को पता चल सके कि उस वक्त में रेडियो कैसे हुआ करते थे, जिसमें कोई डायल नहीं था, सिर्फ उसमें वॉल्व थे और सिर्फ एक नॉब थी जिससे आवाज आती थी। उसके बाद हमने फरवरी में कोशिश की, जब हमारे यहाँ पे प्रथम हमारे ब्रॉडकास्टिंग कंट्रोलर आए 1935 में, हमने उनका चित्र दिया है और उनके साथ ही 1935 में जो हमारा प्रक्षेत्र था, ट्रांसमीटर था, उसको भी दर्शाया है और उसी वक्त हमने एक रेडियो सेट को भी दर्शाया है। डिजाइन में हमें बहुत चुनौतियां आई, हमको ये सोचना पड़ा कि हमें वक्त के साथ कौन सा सेट लेना है, कौन से दृश्य हमें पीछे दर्शाने हैं ताकि हम पूरे के पूरे जो चित्र है उसकी पटकथा हम पूरे पूरे एक पेज में सब लोगों को बता सकें कि किस वर्ष में क्या हुआ था, ताकि वो उसे बड़े आसानी से समझ सकें। और हमने सन 1926 से लेकर और सन 2012 तक रेडियो में जो भी बदलाव आया, हमने वॉल रेडियो से शुरू किया और हम DRM सेट, जो बिल्कुल अभी की तकनीक है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी देखने वालों को ये कैलेंडर पसंद आएगा। मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सन 2014 के इस कैलेंडर की विषय वस्तु की कल्पना व रूपांकन में रेडियो की विकास यात्रा को दर्शाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं इसके विकास क्रम पर, जिसमें 1920 के दशक में आए प्राथमिक मॉडल से लेकर आधुनिकतम DRM यानी कि डिजिटल रेडियो तक के नवीनतम मॉडल को उसके तकनीकी विकास क्रम में दर्शाया गया है। सन 1929 में अमेरिकन बॉश वॉल्व टाइप रिसीवर बना, जो कि पहला मॉडल था। सन 1938 में डेल्को मॉडल R115 विकसित हुआ। सन 1940 में अरविंद 150